हरीश धामी को लेकर क्या बोल गए करण महरा? आजकल हरीश धामी जी से आपके बड़े पहले करीबी माने जाते थे, आजकल मतभेद। क्या लगता है आपको धामी जी इतना गुस्से में क्यों? बात करने का एक तरीका होता है। तो क्या आप उनको नोटिस भेजेंगे? निश्चित है को नोटिस भेज देंगे आप? निश्चित पक्का? हाँ। आपको नहीं लगता इससे मामला और बढ़ेगा? देखिए सर, 34 होंगे तो भी विपक्ष में है, 20 होंगे तो भी विपक्ष में है। धामी जी को फोन किया था आपने? मैंने 2-3 बार बल्कि ज्यादा कुछ कॉल किए थे, नहीं उठने पे फिर मैंने व्हाट्सएप मैसेजेस किया उनको कि आप कहाँ हैं, फोन नहीं उठा। हाँ, मेरा भी फोन नहीं उठा। क्यों? अब ये तो जब वो मुलाकात होगी तभी पूछ पाऊंगा। किस सवाल से नाराज हुए कांग्रेस के नए कप्तान? नहीं चाहता आपने ढैचा बीज प्रकरण को लेकर सवाल उठाया था? मैंने उठाया था? आपने उठाया था। और हरीश रावत जी कहते हैं ढैचा बीज प्रकरण में कोई घोटाला नहीं हुआ, वो कहते तिलक जी हुआ ही नहीं है घोटाला। आप कोर्ट के उन्होंने क्या कहा? हरीश रावत जी ने क्या कहा मुझे इससे मतलब नहीं। मैंने विधानसभा में कोर्ट के द्वारा दिया गया अंतिम निर्णय की कॉपी विधानसभा की पीठ पे। तो फिर हरीश रावत जी क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? वो हरीश रावत जी उसका जवाब देंगे। उत्तराखंड कांग्रेस को हिला देने वाले सवाल जवाब हरक सिंह जी वाले में मैं साफ कह रहा हूँ कि अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप मांग करें सीबीआई जांच हो? हाँ, हमने मांग की है। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष का सबसे धमाकेदार इंटरव्यू। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी दो धड़ों में बटी हुई है, हरीश रावत और प्रीतम सिंह, कैसे कंट्रोल करोगे आप? देखो मैं दोनों का प्यारा कि मेरे मतलब आप मान गए कि दो गुट हैं कम से कम? नहीं, इसमें मानने नहीं मानने का क्या है, जब भी सार्वजनिक है और दोनों विवाद क्या है आप समझ पाए? विवाद होता है चेलू में, जो चेले साथ में चलते हैं वही अनाप शनाप टिप्पणियां करते हैं और उसी से खाई बनती है। जब अंदर ही सही नहीं है तो गांव जाके क्या करोगे? दो कदम करण महरा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू।